आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सच का पहरेदार। बहराइच में बसपा के प्रबुद्ध वर्ग की गोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बसपा महासचिव एवं राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्र ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने भाजपा और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कई आरोप लगाए। उनका कहना था कि दोनों ही सरकारों ने ब्राह्मणों को चुन चुन कर मारा है, दलित उत्पीड़न भी इन दोनों पार्टियों के राज में ही होता है। अयोध्या की बात करते हुए सतीश मिश्रा ने कहा कि अयोध्या के नाम पर करोड़ों रुपए निकाले गए, लेकिन अयोध्या के हालात प्रदेश में सबसे बदतर हैं। वहां जो काम हुआ है वो बसपा सरकार में किया गया। आगामी चुनाव को लेकर उन्होंने दावा किया है कि जिस तरह पहले ब्राह्मणों ने उनका साथ दिया था, इस बार भी उन्हें ही समर्थन मिलेगा और आने वाले चुनाव में बहन मायावती पांचवी बार मुख्यमंत्री बनेंगी। याद करिए जिस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार जब 2003 में आई थी, जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो याद करिए समाजवादी पार्टी की कुछ खासियत होती है। उनकी खासियत ये होती है कि आते ही उनकी सरकार में पूरे प्रदेश में गुंडागर्दी, माफिया राज, बलात्कार, महिलाओं के साथ में दुराचार, हफ्ता वसूली, दंगे फसाद, ये सारी चीजें जितनी होती, लूट मार से लेके हर चीज जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है शुरू हो जाती है। दंगे फसाद तो इस तरह से होते हैं जैसे कि मामूली बात हो, और ये समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की भी खासियत है। जो समाजवादी पार्टी की सरकार को उस समय उखाड़ फेंकने का संकल्प आप लोगों ने लिया था, प्रदेश के लोगों ने लिया था और खास तौर से ब्राह्मण समाज के लोगों ने लिया था, तो क्यों लिया था? वो इसीलिए लिया था कि समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मण विरोधी है, ब्राह्मणों के खिलाफ खुल करके सामने आने का काम करती है, वो छिप करके नहीं। जैसे भारतीय जनता पार्टी भी छिप करके काम नहीं करते हैं, वो भी खुल करके ब्राह्मण समाज के खुलेआम ब्राह्मण समाज का विरोध कर रहे हैं। और ब्राह्मण समाज की जिस तरह से हत्याएं हो रही है, सैकड़ों की संख्या पार हो गई है, जिस तरह से ब्राह्मण समाज के मजबूत किस्म के लोग जो हैं उनको चुन चुन करके गोलियों से मारा जा रहा है, उनको गोली मार करके हत्या की जा रही है, सरकारी गोलियों से मारा जा रहा है, यही हाल जो था समाजवादी पार्टी की सरकार में था। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सच का पहरेदार।